पुत्र, हमने बच्चे में कोई ऐसा नक्श नहीं रखा था कि कोई ये कह सके कि ये पहुंच नहीं सकता। तो हर वो शख्स जो उसके अंदर इनपुट डाल रहा था इल्म का, वो सब जिम्मेदार है उसको वो बनाने में जो आज वो है। जिंदगी दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों का नाम है भैया, एक है जमान, एक है मकान। द प्लेसमेंट ऑफ टाइम एंड द प्लेसमेंट ऑफ प्लेस। तो आपको पता होना चाहिए कि कब, कहां और कैसे। ये जो समझ गया ना जिंदगी के अंदर, फिर आगे की जंगें, आगे की गुफ्तगुएं, फिर बात की, लोग मिले उन्हें बात ही समझ नहीं आई, या बात समझ नहीं सके, या समझने के बाद इरादा नहीं कर सके जिंदगी। तो इसलिए मैं एक जुमला कहता हूं, कितने ही तसव्वुरात हैं, कितने ही एहसासात हैं, कितने ही इदराकात हैं, कितने ही तखयुलात हैं, जो साहिल पे ही मर जाते हैं, वजूद ही नहीं मिलता उनको कि वो कलम की शक्ल में रकम हो सके किसी सफे पर। कितने ही सफे हैं जो स्याना हो सके कभी। देर आर सो मेनी पेजेस दैट नेवर गॉट जॉटेड डाउन। क्यों? काश, अगर, मगर, चूंके, चुनाचे, बुजदिल, डरपोक, माशरे की रिवायतों में मुकैद वो सोच, कॉस्मेटिकली जिसे लोग डिफाइन करते रहे कि तू ये है, तू ये है, तू ये है, और वो कबूल कर गया। अल्लाह कहता है मैं ते बच्चा ठीक बेचा सी तुहानू, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा। अल्लाह कहता है एवरी चाइल्ड वॉज बॉर्न नेचुरल, मैंने तो बच्चा ठीक बेचा था। मुझसे लोग सवाल करते हैं जी, क्या इज द लीडर बॉर्न और इज द लीडर मेड, कायद तैयार किया जाता है या कायद पैदा होता। हम कहते हैं हर इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी थी हर काम करने की। सही मुस्लिम की हदीस दलील है इस पर कि मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा, हमने बच्चे में कोई ऐसा नक्श नहीं रखा था कि कोई ये कह सके कि ये पहुंच नहीं सकता, या ये जमा नहीं कर सकता, या ये बना नहीं सकता, या ये चला नहीं सकता, या ये चढ़ा नहीं सकता, यानी उठा नहीं सकता। वो मेराज और वो उरूज एक नफ्स को नसीब नहीं हो सकती उस उन असाफ को। ये दावा करना अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ी बात हो। आगे अल्लाह कहता फा बाबाहू, फिर ये माँ बाप सोसाइटी, अगर हम अबवा पे क्यास कर लें, एनालॉजी कर लें इल्मी इंस्टीट्यूशंस की, तो हर वो शख्स जो उसके अंदर इनपुट डाल रहा था इल्म का, वो सब जिम्मेदार है उसको वो बनाने में जो आज वो है। तो लोग मिले जिंदगी में, मगर डिफाइंड।